आपकी भरपूर तालियों में बदर इलाही मैनेजिंग डायरेक्टर संजवाल मॉडल टाउन सर बदर इलाही सर प्लीज कम ऑन द स्टेज वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू राजस्तार साहब बहुत अच्छे अल्फाज आपने मेरे लिए अदा किए uh, सबसे पहले जी आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदीद जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक पर्पसली बिल्ट हाउसिंग कम्युनिटी की इनग्रेशन सेरेमनी पे जिसका नाम है एग्जेक्टिव ब्लॉक संजवाल मॉडल टाउन और जब मैं पर्पसली बिल्ट कहता हूँ तो आई ट्रूली मीन इट ये आ, मैं अपनी गुफ्तगू में लेटेस्ट स्टेजेस पे एक्सप्लेन करूँगा कि मैं इसको पर्पसली बिल्ट क्यों कह रहा हूँ सबसे पहले आगाज़ करते हैं बहुत से ऐसे मेहमान हैं जो अटक शहर के बाहर से तशरीफ़ ले आए हैं हमारे पास तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको अटक के बारे में बता दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम कहाँ पर मौजूद हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस शहर में तो अटक अपने एक बड़े सरसब्ज शादाब लैंडस्केप में वाक़ है और बिफोर पार्टीशन तब से ही ये एक बड़ी तवज्जो का मरकज़ रहा है अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से अब जब स्ट्रेटजिक लोकेशन का मैं जिक्र करता हूँ तो इसकी एक साइड पे हमारी पूरी पखतूनख्वा बेल्ट है जिसमें सवाबी और नौशहरा के एरियाज आते हैं दूसरी तरफ हमारे सराइकी बेल्ट है जिसमें मियाँ वाली और उसके मजाफात हैं इससे आगे चलें तो पठवार का इलाका आता है इसके साथ जिसमें चकवाल रावलपिंडी और हमारा कैपिटल इस्लामाबाद शामिल है और एक तरफ इसके हरीपुर हज़ारा की सारी बेल्ट शामिल है तो इस एतबार से ये बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है पाकिस्तान के बड़े अजला में से एक है और अभी इसको अगर लैंड ऑफ उप अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाए तो मेरा ख़्याल में गलत नहीं होगा अटक शहर की एक और बहुत खूबसूरती है कि यहाँ पर एक तो दो बड़े कैंट्स हैं जो कि एक पीओएफ ओ संजवाल कैंट और पाकिस्तान एयरफोर्स कामरा कैंट और हम जिस लोकेशन पे मौजूद हैं यहाँ से सिर्फ दस मिनट की ड्राइव पे हमारे कामरा कैंट आ जाता है और एक तरफ पाँच मिनट की मुसाफत पे पीओएफ ओ संजवाल कैंट है इस वजह से यहाँ पर आपका कोई भी बिज़नेस है या कोई भी आप किसी भी अर्निंग क्लास को अगर आप अपने बिज़नेस में टारगेट कर रहे हैं तो आपको एंड यूज़र यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जैसा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ब्रांड्स और वो चीज़ें हैं वो अभी तक अटक में हैं लेकिन उस लेवल की मौजूद नहीं है तो अब रियल स्टेट के तनाजुर में अगर मैं बात करूँ तो पिछले कुछ सालों में रियल इस्टेट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है और काफ़ी बिल्डर्स ने यहाँ का रुख किया इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2017 में हमारे सीईओ मोहम्मद सुहेल मलिक साहब ने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया इसका बेसिक मकसद एक मुतवस तबके को हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना था जो कि इंतहाई मुनासिब रेट्स पे उस वक्त ये प्लॉट्स डायरेक्ट बी टू सी बेस यानी टाउन से डायरेक्ट कंज्यूमर को ये प्लॉट्स अलॉट किए गए और उस वक्त जिस कीमत पे ये आ, टाउन की बुकिंग्स की गई थी और आ, जो अभी भी हमारा एग्जेक्टिव ब्लॉक का स्लोगन है फ़ाइल नहीं प्लॉट तो ये बेसिकली मोहम्मद सुहेल मलिक साहब का असूल है काम करने का कि वो पोजेशन की लैंड का, का काम करते हैं हमेशा कभी ऐसा नहीं कि आप फाइल दे दें और उसके बाद आप लैंड परचेज़ करें और फिर करें जैसा कि नॉर्मली सोसाइटीज़ में किया जाता आप लोगों ने इधर आते हुए यकीन देखा होगा कि हमारी सोसाइटी की चारों अतराफ़ में दीवार मौजूद है इसका मतलब है कि जो भी कोई लीगल इश्यूज हैं या कोई बाकी मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो संजवाल मॉडल टाउन में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती दूसरा एक हमारे सी ओ साहब का जो असूल है वो लिगैलिटीज़ और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काफ़ी अपनी गहरी नज़र रखते हैं और इसीलिए संजवाल मॉडल टाउन पूरे पाकिस्तान में उन चंद सोसाइटीज़ में से है जिनके पास कंटोनमेंट बोर्ड का एन मौजूद है अब कंटोनमेंट बोर्ड के एन के बारे में आ, बहुत सारे मजिद मेहमान अगर जानते हों तो कैंटोनमेंट बोर्ड का एन बहुत ही मुश्किल से इसका असूल मुमकिन है क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड आपको बहुत सारे दीगर इदारों से एन लेने के बाद अपना एन जारी करता है जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और इस तरह के और बहुत से इदारे जो अपने एतबार से आपकी लैंड को क्लियर करते हैं और उस पे उसको बेस बना के फिर कंटोनमेंट बोर्ड एन जारी करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आ, मलिक सुहेल साहब की बहुत कोशिश और मेहनत के बाद अलहमदिल्ला में ये एन वसूल हुआ जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो उस वक्त इसकी लैंड इतनी ज़्यादा नहीं थी एक छोटी चो, तर्ज पर यह शुरू किया गया था लेकिन यहाँ पे सेल्स का वॉल्यूम अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा था कि हमें वक्त के साथ साथ छोटी एक्सटेंशंस करके वो सेल्स की जो डिमांड है उसको पूरा किया गया इसको आ, अब मद्देनज़र रखते हुए अब कंडीशन ऐसी है कि अब हमें एक्जकटिव ब्लॉक जिसके सिलसिले में आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं उसको लॉन्च करने का इरादा किया गया अब चूंकि 2017 में जो चीज़ कमिट की गई थी टाउन में जैसा कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, अपना वाटर सप्लाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि कमिट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले वो संजवाल मॉडल टाउन ने डिलीवर की हैं अब एग्जेक्टिव ब्लॉक के लिए इरादा ये था कि एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग की जाए और उसकी एग्जीक्यूशन की जाए तो एक तरीका तो ये था कि ख़ुद उस पर वर्क किया जाए लेकिन आ, जाए। आ, हमारी मैनेजमेंट ने इस चीज़ को बेहतर समझा कि क्यों ना एक ऐसी एक्सपीरियंस्ड कंपनी के साथ काम ने किया ने जाए या उनसे बात की जाए जिनको एक बड़ा वसी तजर्बा भी हो और उनकी जो डिलीवरेंस है वो नज़र आ रही हो इस सिलसिले में हमने एग्जेक्टिव ब्लॉक के लिए बिन ताहिर ग्रुप हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक बड़ी नामवर कंपनी जिसके आ, जिसके बकेट में बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं और बहुत हाई राइज में भी उन्होंने काम किया है सेल्स एंड मार्केटिंग और डिवेलपमेंट का बहुत ही अच्छा इनकी डिलीवरेंस इस्लामाबाद में रही है तो इनके साथ जब हमारी ये डिस्कशन हुई तो इन्होंने एक बड़ा अच्छे प्लान के साथ हमारे एग्जैक्टिव ब्लॉक को प्रपोज़ किया कि हम इस तरह बनाएंगे तो अब सबसे पहले मैं आपको सॉरी सबसे पहले मैं आपको एग्जैक्टिव ब्लॉक की लोकेशन का बता देता हूँ एग्जैक्टिव ब्लॉक हमारे बी ब्लाक के साथ मुतसिल है इसकी तीन मेन एंट्रेंसेज हैं एक एंट्रेंस हमारी मेन जला खान रोड पर है एक एंट्रेंस हमारी एग्जेक्टिव ब्लॉक की बी ब्लॉक से आ, जुड़ी हुई है और जो तीसरी आ, इसकी एंट्रेंस है जो कि आप गेम चेंजर कह सकते हैं वो बेसिकली अगर आपने अटक के अंदरून शहर में जाना है यानी आपने मिर्जा वाली साइड से अटक को जाना है तो ये हमारा एग्जैक्टिव ब्लॉक का मेन बुलेवार्ड एक अटक का बाईपास या शॉर्टकट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है क्योंकि जो हमारी इसकी सेकेंड एंट्रेंस है वो पी की वॉल के साथ वाक है और अगर आपने अटक शहर को एक्सेस करना होगा तो आपको इसके मेन बुलेवार्ड से हार्डली पाँच से दस मिनट के अंदर अंदर आप मिर्ज़ा इंटर हो जाएंगे इसके साथ आ, लोकेशन के बाद मैं आपको जो शुरू में बात की थी पर्पसली बिल्ट की तो वो आ, अगर आप पूरे पाकिस्तान में आ, सर्वे करें तो जहाँ भी, भी गोड़ सवारी का जिक्र आएगा तो आपको अटक शहर का नाम ज़रूर आएगा लेकिन अफसोस के साथ हम अटक में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दे सके तो हम एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर वो ये हॉर्स राइडिंग क्लब एक तरतीब देने जा रहे हैं इसके साथ एक ज़ू है एक वाटर थीम पार्क है जो कि उसमें बनाया जाएगा और इसकी बाकी डिटेल्स तो बिन ताहिर के सीईओ ताहिर साहब मुसवर अब्बासी साहब वो एक्सप्लेन करेंगे लेकिन आ, बेसिक्स जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं और मैं दुआ गो हूँ कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो आ, सब तरक्की करें वो एंड यूज़र हैं वो डीलर्स हैं वो इन्वेस्टर्स हैं तो आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया वालेकुम